ये तो सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है। आपने कहीं बार ट्राई भी किया होगा, ढेर सारे अलार्म भी लगाए होंगे, सुबह जल्दी उठ के क्या करना है ये तक डिसाइड किया होगा। मगर क्यों, जैसे ही सुबह वो अलार्म बजता है तो सारी मोटिवेशन भाग जाती है और उस रिजाई से प्यारा और कुछ नहीं लगता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले मुझे भी सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत होती थी, अलार्म बजते ही रहते थे लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती थी। लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ में 3 चीज़ों को बदला, जिनके बाद मैं आसानी से रोज़ सुबह अब जल्दी उठ पाती हूँ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे वो 3 तरीके जिनको अपनाकर आपको चाहे सुबह 4 बजे उठना हो या 5, आप विदाउट फेल उठ पाएंगे। अपने 3 सॉल्यूशंस पे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि सुबह जल्दी उठने से होता क्या है। मान लीजिए कि आप एक दुकान चलाते हैं जिसमें आप इडली डोसा बेचते हैं। आपके सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे कस्टमर सुबह 4 बजे आते हैं, आप क्या करोगे? नहीं, मैं तो सुबह नहीं उठ सकता, मुझे नींद बड़ी प्यारी है, ये तो नहीं बोलोगे। आप 4 बजे दुकान खोल के बैठे होंगे। ऐसे ही सुबह ही आपके सबसे पावरफुल, सबसे ग्रेट, सबसे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। उस समय अगर आपने अपनी ये वाली दुकान बंद कर ली और अगर आप सो रहे हैं तो वो सब थॉट्स वेस्ट हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग सनराइज के करीब 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। इस समय आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड सबसे हाईएस्ट होता है। यही नहीं, इस समय 7वें गुण भी पीक पर होता है। दोपहर तक आते आते राजसिक गुण बढ़ जाता है और शाम ढलने पर तामसिक गुण बढ़ जाता है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को सो के वेस्ट ना करें। अगर आप को नया स्किल सीखना चाहते हैं, नई नॉलेज लेना चाहते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनको अर्ली मॉर्निंग करने से बेहतर और कोई समय नहीं है। तो आइए जानते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठें। आपको क्या लगता है, अगर आपको 5 बजे उठना है तो अलार्म कितने बजे का सेट करना होगा? 4:30, 4:45 या 5 बजे का? बताइए बताइए। जवाब है इनमें से कोई नहीं। माय फ्रेंड, अलार्म सिर्फ सुबह 5 बजे का नहीं, 9 बजे का लगाइए। 9 बजे ही बिस्तर में घुस जाइए। क्या, रात को 9 बजे का अलार्म? हाँ, रात के 9 बजे का। आपको सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं करनी, रात को जल्दी सोने की तैयारी करनी है। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो 9 बजे बिस्तर में घुस जाइए। 9 बजे? बट मुझे तो रात 9 बजे नींद आती ही नहीं। ऑफ कोर्स, नींद आएगी भी कैसे, हम देर रात को इन सब गैजेट्स में लगे रहते हैं। ये सभी हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज हमारे ब्रेन और हमारे सेंसेस को उकसाती हैं, स्टिम्युलेट करती है। हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज होती हैं जैसे लैपटॉप पे काम करना, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, टीवी शोज देखना, लाउड म्यूजिक सुनना, रात को लेट वर्कआउट करना। इन स्क्रीन्स में से एक ब्लू लाइट निकलती है जो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन नाम के एक केमिकल को सिक्रीट नहीं होने देती। मेलाटोनिन एक स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन होता है। नेचुरली जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे आपका ब्रेन मेलाटोनिन पैदा करता है आपको सुलाने के लिए। इससे आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब रात हो गई, सो जाओ। लेकिन जब आप रात को इन स्क्रीन्स को देखते रहते हैं तो आप ही बताइए क्या होगा, ब्रेन मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बॉडी को नींद आने का सिग्नल नहीं मिलेगा, आप टाइम पे नहीं सोएंगे और सुबह अलार्म को स्नूज करते करते घंटे बीत जाएंगे। तो क्या करें, अपने फ़ोन में अभी की अभी एक अलार्म लगाइए। अलार्म ऐप खोलिए, 9 बजे का अलार्म लगाइए और इसको रिपीट एवरी डे कर दीजिए। अलार्म का नाम रख सकते हैं तो रखिए गेट इन टू बेड एंड वाइंड डाउन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और अभी की अभी 9 बजे का अलार्म रोज़ रात के लिए सेट करें। अब रोज़ रात 9 बजे जब ये अलार्म बजे, अब जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और अपने बिस्तर में घुस जाइए। बिस्तर में कोई हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटी नहीं करनी, इनको बदलिए लो स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज से, जैसे कि बुक्स पढ़ना, जर्नल राइटिंग करना या सूदिंग म्यूजिक सुनना। तो याद रखें, सुबह जल्दी उठने की शुरुआत पिछली शाम से ही हो जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं सुबह जल्दी उठने के दूसरे तरीके पे, सेकेंड वे।
क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस दिन आपको कोई बड़ा काम करना होता है, जैसे कोई फ्लाइट पकड़नी होती है या एग्जाम देने जाना होता है, उस दिन आप आराम से सुबह जल्दी उठ जाते हो ना? क्यों? क्योंकि जब आप रात को मन में प्लान बना के सोते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और सुबह अपने आप आँख खुल जाती है। अगर आपके पास सुबह उठने की वजह नहीं है तो आप जितनी कोशिश कर लो नहीं उठ पाओगे। तो सुबह जल्दी उठने का दूसरा तरीका है एक इंस्पायरिंग मॉर्निंग रूटीन बनाना। उस रूटीन को इतना इंस्पायरिंग बनाओ कि वो ही आपकी सुबह जल्दी उठने की वजह बन जाए। एक होलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन में 3 M's होते हैं। पहला M, मेडिटेट। अपनी सुबह का आधा घंटा मेडिटेशन या किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में दे। इस मेडिटेशन के समय आप अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सभी की मेडिटेशन अलग होती है। कोई डायरी में लिखकर मेडिटेट करता है तो कोई जप करके, कोई स्पिरिचुअल स्टडी करके मेडिटेट करता है तो कोई पूजा करके। इस समय जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो आपको नेचुरली आती है, वो करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन एकदम शांत होता है और आप आसानी से मेडिटेट कर पाते हैं। मॉर्निंग रूटीन का दूसरा M है मूवमेंट, यानी एक्सरसाइज। चाहे वो योगा आसना प्रैक्टिस हो, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट। और तीसरा M है मास्टरी, यानी वो टाइम जब आप अपने माइंड को शार्पन करते हैं। इस समय आप बुक्स पढ़ सकते हैं, चाहे वो बुक्स हेल्थ की हो, सेल्फ डेवलपमेंट की या स्पिरिचुअल, या कोई नया स्किल भी सीख सकते हैं। सुबह 5 बजे 0 distraction hour होता है। फ़ोन पे नोटिफिकेशंस नहीं बज रही होती, घर या ऑफिस में 5 लोग आपकी अटेंशन नहीं मांग रहे होते, और इसीलिए राइटर्स, पोएट्स, थिंकर्स, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी इन गोल्डन आवर्स को सो के वेस्ट नहीं करते। दे नो दैट अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज अ पावर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। सो मेडिटेशन, मूवमेंट एंड मास्टरी, इन तीनों M's ने मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प किया और हमने ये कॉन्सेप्ट 5 AM क्लब की नाम की बुक में सीखा। अगर आप इस वीडियो से सच में कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी एक नोटबुक और पेन लाएं और उसमें लिखिए कि आप कल से ही मेडिटेशन, मूवमेंट और मास्टरी के लिए क्या करेंगे। यही नहीं, हर एक्टिविटी को एक क्लियर टाइम और डेजिग्नेटेड लोकेशन दीजिए। आप एग्जैक्टली कब करेंगे और अपने घर की किस लोकेशन में करेंगे वो तक लिख दीजिए। जिस जगह में आप सोते हैं वहाँ मेडिटेशन, मूवमेंट या मास्टरी ना करें, क्योंकि आपके बेड की एनर्जी है सोने की। बेड पे बैठ के सुबह अपनी मेडिटेशन या मास्टरी करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आधे घंटे बाद वापस सोता हुआ पाएंगे। हर एक्टिविटी को अपनी एक डेजिग्नेटेड जगह दे। 1 space 1 use। तो इन समरी, आप सुबह जल्दी तभी उठ पाएंगे जब आपके पास एक सॉलिड वजह होगी, और एक इंस्पायरिंग मॉर्निंग रूटीन भी आपकी सुबह जल्दी उठने की वजह बन सकता है। इसके बाद भी अगर आप खुद को अलार्म स्नूज करता हुआ पाते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप अपना अलार्म बेड से दूर रखें, ताकि आपको उठकर वॉक करके उस तक पहुँचना पड़े। सुबह जल्दी उठ पाने का तीसरा तरीका, डिनर को बनाइए हल्का और लाइट। अगर आपका डिनर कुछ ऐसा, ऐसा या ऐसा दिखता है तो सुबह जल्दी उठने को बोल दीजिए टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि ऐसा भारी अनाज वाला डिनर खा के 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं इसको आपके पेट में पचने में। जब आपके शरीर के पास कुछ इतना भारी भरकम पचाने के लिए होता है, वो आपको डीप स्लीप यानी गहरी नींद में नहीं लेके जा सकता। याद रखिए, डाइजेशन ऑन तो डीप स्लीप गॉन, विच मीन्स लाइट स्लीप ऑन। तो अगर रोज़ रात आपका शरीर 5-6 घंटे लाइट स्लीप में है तो उसको नींद पूरी करने के लिए ज़्यादा घंटे लगेंगे और सुबह जल्दी आँख खुल ही नहीं पाएगी। बेसिकली इनको खाकर नींद की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो क्या करें, डिनर को बनाएंगे लाइट ताकि नींद बन जाए डीप। डिनर में ले सकते हैं सूप के साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स या फिर एक बड़ा बोल फ्रेश सैलड का। अगर आपका इनसे पेट नहीं भरता तो किसी भी अनाज के साथ सब्जी ले लें, लेकिन अनाज कम और सब्जी उससे डबल। 1 कटोरी अनाज तो 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी अनाज तो 4 कटोरी सब्जी। बेसिकली अनाज की क्वांटिटी डिनर में कम कर दें। जितना अनाज हम खाते हैं उतनी ही नींद की ज़रूरत बढ़ती है। और हाँ, डिनर की क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखिए,
पेट को ठूस ठूस के भरिए मत, बल्कि टेबल पे उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह जरूर खाली छोड़े। ओवर ईटिंग करेंगे तो सुबह जल्दी कभी आँख नहीं खुल पाएगी। अच्छा हाँ, एक और बात, डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अगर आप रात को 9 बजे सोना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 7 बजे ही डिनर खा लें। डिनर करेंगे लेट तो सुबह आँख भी खुलेगी लेट। अगर आपको सुबह जल्दी उठने के लिए और हैंड होल्डिंग चाहिए, या आपको एक कम्युनिटी से जुड़ना है जो रोज़ सुबह 5 बजे उठती है, या अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ 21 Day 5 AM चैलेंज में। इस वर्कशॉप में हम रोज़ सुबह 5 बजे से 6 बजे ऑनलाइन मिलते हैं। इस वर्कशॉप में हम एक साथ अपने नाइट रूटीन, अपने मॉर्निंग रूटीन और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। अकेले हो सकता है इस हैबिट को बनाना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इस चैलेंज में आप अकेले नहीं होंगे, हजारों लोग आपके साथ सुबह 5 बजे उठ रहे होंगे। यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट 5 AM चैलेंज के लिए रजिस्टर करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।